हेलो दोस्तों नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारक जितने भी आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो खबर देख रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल का है। यानी कि वेस्ट बंगाल में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि न होने की वजह से एक बहुत विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में जितने भी एनएससी के टीम के सदस्य हैं उनके साथ साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक भी इकट्ठे हुए थे। पूरे इस रैली को आप देख सकते हैं इस वीडियो में। आया है लगातार संघर्ष और प्रयास तो जारी ही है। इसे संघर्ष और प्रयास के आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के टीम के साथ साथ में माननीय कमांडर अशोक राव जी स्वयं इसमें शरीक हुए, शामिल हुए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर टीम को सड़क पे उतार दिए हैं। आंदोलन का रूप ले चुका है। श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय संघर्ष समिति का विजय हो। हम तुम्हारे साथ हैं। पाटिल सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय मोटे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सर एक है। जय श्रेष्ठ भारत। इतने संघर्ष के बाद बस यही उम्मीद करता हूं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जो भी पेंशन राशि जिनको नहीं मिल पाई है, उन्हें जल्द से जल्द पेंशन की राशि मुहैया हो। जय हिंद।